वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज लेके आ चुके हैं आपको अपने एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। और गाइज अभी आज हमारे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी अमेजिंग होने वाली है और आप वो सरप्राइज देख के क्या पता शौक हो जाए। तो और वीडियो एंड तक देखेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देगा और लाइक ज़रूर कर देगा वीडियो को। तो चलें आपको सरप्राइज दिखाते हैं। और गाइज आपको एक और चीज़ दिखानी थी, ये हमारा पूल देख लें, ये भर चुका है। और अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं तो इसका पानी इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। फिर गर्मियों में इसका भी व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, इसका भी आपको दिखाएंगे। तो गाइज अब आपको लेके चलते हैं अपने सरप्राइज की तरफ। तो गाइज ये रहा हमारा सरप्राइज, ये एक इंडियन रॉक पाइथन है। ये हमने बहुत पहले से हमने सोचा हुआ था कि हम ये लेंगे और दिखाएंगे फिर। तो फिर ये हमने आज परचेज करा है और फिर ये आपको दिखा रहा है, देखें। और ये अच्छा खासा बड़ा है, मैं आपको अभी इसका लेंथ दिखाता हूँ। आजा भाई खुल जा सिम सिम। तो गाइस ये देखें, अच्छा खासा बड़ा है पर इतना कोई मोटा नहीं है और फ्रेंडली बहुत है। ये देखें मेरे पास है, कुछ नहीं करता। और गाइस इंडियन रॉक पाइथन की पहचान होती है ये देखें, इसका जो फेस होता है ना ये ऐसे रेड जैसे रंग का होता है। ये देखें रेड हो रहा है, ये ऐसा होता है। और इसका ये है पैटर्न, ये होता है इंडियन रॉक पाइथन का पैटर्न। और अगर आपको यहाँ ऐसा कोई स्नेक मिलता है तो आप उसको बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एक वाइपर की भी किस्म आती है बहुत जहरीली, तो वो भी बिल्कुल ऐसी होती है तकरीबन। तो आप बिल्कुल भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो बस यही कहना था मुझे, बाकी आप इसको देखें। और गाइज ये एक मेल इंडियन रॉक पाइथन है और ये भी एक दो फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस इतना ही होगा। फीमेल्स आपको वैसे पता है बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो ये है मेल, ये इतना बड़ा नहीं होगा। और गाइज अभी शायद इसका जो रियल हाइट है ना इसकी, वो होगी कम से कम 6 फुट का है ये, लेकिन इतना देखें मोटा नहीं है ये, कोई अच्छा खासा लंबा है पर मोटा कोई नहीं है। और फेस भी बिल्कुल पतला सा है, ऐसा कोई नहीं बड़ा। और गाइज आप हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप ऐसी चीज़ें देख सकें, क्योंकि मैंने देखा था अपने सब्सक्राइबर हमारे व्यूज़ तो अच्छे खासे हो जाते हैं और मैं देखा था कि बहुत कम लोगों ने, जैसे अगर 100% है तो उसमें से 10% लोगों ने सब्सक्राइब करा है और वीडियो देखी है पूरी। तो गाइज़ वीडियो भी पूरी देखा करें, शेयर भी करा करें, लाइक भी करा करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो गाइस आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो हम ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे ताकि आपको दिखाएं, फिर आपको भी मज़ा आए देखने में। और गाइस हमने बहुत दिनों से अपने रेप्टाइल हाउस के बारे में बात नहीं करी थी, तो आज वो मैं बताऊंगा कि हमारा रेप्टाइल हाउस जो है बनने वाला है। हम लोग बनवाने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अपना ये जो फार्म हाउस था ना इसका सारा काम क्लियर हो गया, तो बस हम लोग चाह रहे थे एक जगह हो हमारा सारा फोकस, उस पर हम लोग अब करेंगे। वो हमारा जब बन रहा होगा इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। और गाइज जब हमारा रेप्टाइल हाउस बन जाएगा तो आप आएगा, मैं अपनी लोकेशन दे दूंगा कहाँ पे ये बना हुआ है, और बाकी ये फार्म वगैरह भी विज़िट कर लेगा, वो भी हमारा कैटल फार्म भी है और पोएट्री फार्म भी है, वो सब देख लेगा। और बस यही है। और बाकी मैं कह रहा था कि अगर किसी के पास स्नेक फॉर सेल इन कराची है ना, तो आप मुझे अपना नंबर मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। और गाइज अगर कोई सोच रहा है कि हमने पकड़ा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये हमने अभी पकड़ा होता ना तो ये छोड़ता भी नहीं, खूनम खून कर देता मुझे, ऐसे काटता ही है। तो ये मैंने पकड़ा नहीं है बिल्कुल भी, ये हमने ख़रीदा है आज, परचेज़ करा हमने ये। और गाइज आप खुद देख रहे होंगे ये बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं है, देखें इतने देर से हाथ में कुछ नहीं करा इसने मुझे ये। और अगर वाइल्ड जो होते हैं वो आपको खुद पता है कि कितना काटते हैं, वो हाथ पे रुकते ही नहीं है, बिल्कुल भागने की करते हैं और काटते हैं। और ये बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं है, बहुत फ्रेंडली स्नेक है, ये कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है। और जो हमारी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा हमारे पास एक ब्लैक सैंड बॉय है, तो ये उसका शायद डबल होगा या ट्रिपल होगा, आप गाइस खुद देखें उसका साइज़। जब मैंने पहला व्लॉग बनाया था ये और उसके बाद जो उसका लास्ट व्लॉग आया है तो उसमें तो बहुत काफ़ी छोटा है, लेकिन अब उसका हमने ना इसको जैसे खाना पिलाया सब करा तो अच्छी खासी उसकी भी लेंथ हो गई है, बड़ा हो गया है वो अच्छा खासा। और गाइज लास्ट व्लॉग में तकरीबन वो होगा कि 3 फुट का होगा या इससे छोटा होगा, और अब वो होगा 4-5 फुट का, इतना बड़ा हो गया है वो। तो गाइज अब इसको हम गले में टांग के देखते हैं पहली बार जब से आया है।
सही है यार, कुछ कर नहीं रहा, बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं है। देखें गले में टांगा हुआ है, कुछ नहीं करता, छोड़ दिया। ये देखें और गाइस, हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम जो एनिमल लवर हैं और बेसिक और सबसे ज़्यादा जो रेप्टाइल लवर हैं, उनको हम लोग दिखा सकें कि हम लोग ऐसी भी चीज़ें लाते हैं, ऐसी भी व्लॉग्स में आजकल चल रही हैं चीज़ें। और बाकी हम भी एक रेप्टाइल लवर हैं, इसलिए आपको भी दिखा देते हैं अपनी ये डेली की रूटीन तो, और अपने स्नैक्स वगैरह और सब। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, फिर हम इसकी एक फ़ीमेल भी लाएंगे और बाकी सांप भी लाएंगे नए। तो गाइज़, और आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे कमेंट में बता दें कि आपको कौन सा सांप पता है, फिर अगर वो हुआ कि फॉर सेल है इधर उधर, मुझे पता चला कि होगा, आप बताएं कमेंट में कि मैं कौन सा सांप बाय करूँ नेक्स्ट। और गाइज़, ये एक नेटिव स्पीशी है, ये यहीं के ऐसे ऐसे डेजर्ट वगैरह में रहने वाली। और गाइज़, ये कोई ऐसा कोई मशहूर है, मशहूर सांप है ये बहुत, और ये बिल्कुल नेटिव स्पीशी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं स्नेक्स, ये बिल्कुल भी और नॉन वेनमस है ये। और दूसरी बात कि इसको पालना बहुत आसान है, इसका ना ही टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बस एक मिट्टी एक चीज़ में मिट्टी रख दो और इसके साइज़ के हिसाब से ना उसमें उसको डाल दो इस इनक्लोजर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।